जिम जाकर वर्कआउट करना काफी लोगों की लाइफ का अहम हिस्सा होता है। हो सकता है लोगों का फिजिकली एक्टिविटी करने का तरीका अलग अलग हो, जैसे कोई कार्डिया करने जिम जाता है तो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। वर्कआउट के लिए फिजिकल के साथ ही मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, उसके बाद ही आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाता है। लेकिन वर्कआउट सही तरीके से ना करने और जिम में कुछ गलतियां करने से आपका वर्कआउट सेशन बर्बाद हो सकता है। वर्कआउट के दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिनके बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि वो ध्यान भटकाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना आपका ध्यान वर्कआउट से भटक सकता है। पहला, जिम का टाइम डिसाइड ना होना। कुछ लोग कभी सुबह तो कभी शाम के समय जिम जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी मूड बना तो दोपहर में भी जिम चले जाते हैं। यदि कोई मजबूरी है तो कभी कभी टाइम बदलना माना जा सकता है। यदि आपके पास सुबह जिम जाने का समय है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। सुबह जिम का रूटीन बनाने और टाइम फिक्स करने पर आप रात में अपने सभी काम समय से पूरे कर लेते हैं। इससे आपके दिमाग में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की बात रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन यदि आपका कोई समय नहीं है तो आप हर काम को करने में देरी करेंगे और हमेशा की तरह किसी भी समय वर्कआउट करेंगे। दूसरा, प्रॉपर वर्कआउट ड्रेस ना होना। कई लोग जिम में कॉटन की शर्ट, टी शर्ट और जींस पहनकर आ जाते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। आपकी बॉडी ना तो इन टाइट कपड़ों में कंफर्टेबल रहेगी और ना ही हाथ पैर स्ट्रेच हो पाएंगे। आप हेल्दी रहने के लिए जिम जाते हैं, इसलिए ऐसे कपड़े खरीदने से बचें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसलिए पॉलिस्टर या सेमी पॉलिस्टर से बनी ड्रेस पहनकर ही वर्कआउट करें। शूज पहनना भी ध्यान रखें, वरना वर्कआउट करते समय पैर पर कुछ गिरने का डर बना रहेगा, जिससे आपका वर्कआउट से फोकस हट जाएगा। तीसरा, वर्कआउट और डाइट प्लान नहीं। बिना प्लानिंग से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता, इसलिए यदि आप भी जिम बिना ब्लूप्रिंट बनाए जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप वर्कआउट करते भी हैं तो ऐसे सेशन का अधिक महत्व नहीं रहता, इसलिए अपने ट्रेनर से वर्कआउट और डाइट प्लान डिजाइन कराएं, उसके बाद ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें। चौथा, गलत तरीके से स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, यदि आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो वर्कआउट के दौरान चोट लग सकती है। इसलिए वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेच और वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेच करें। लेग स्विंग्स, आर्म स्विंग्स, साइड बेंड्स, ट्रंक रोटिंग्स और हाई नीज को भी वार्म अप में शामिल करें। कूल डाउन के दौरान हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, स्टैंडिंग क्वाइट स्ट्रेच, कॉफ स्ट्रेच, चेस्ट और शोल्डर ओपनिंग स्ट्रेच और कैट स्ट्रेच करना ना भूलें। पांचवा, प्री वर्कआउट मील ना लेना। जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मील लेना बहुत जरूरी होता है। ये जिम में आपको हैवी लिफ्टिंग के लिए एनर्जी देती है। यदि आप इसे स्किप करते हैं तो शरीर प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाता। ऐसे में शरीर मसल्स को बर्न करके आपको एनर्जी देने लगता है, जो कि आपके शरीर को कमजोर बनाता है। इसलिए हमेशा प्री वर्कआउट मील लें और बीच बीच में पानी पीते रहें। छठा, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। सबके हार्मोन्स, जेनेटिक्स, रिकवरी रेट, मसल्स ग्रोथ रेट अलग अलग होता है। यदि आप किसी की फिजिक देखकर खुद को उससे कंपेयर करते हैं तो ये गलत हो सकता है। ऐसा करने से आप डिमोटिवेट होंगे और वर्कआउट में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा खुद से ही अपनी तुलना करें कि आपने एक महीने में खुद को कितना बदल लिया। सातवां, नोटिफिकेशन स्नूज करना भूल जाते हैं। जिम में कुछ लोग मोबाइल लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, वे मैसेज आने पर वर्कआउट छोड़कर तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं। ऐसा करने से आपका फोकस वर्कआउट से हट जाता है, जिससे आपका सेशन बर्बाद हो जाता है। इसका कारण है कि एक नोटिफिकेशन देखने पर आप बाकी मैसेज भी चेक करेंगे और फिर उनका जवाब देंगे। ऐसे में काफी समय खराब होता है। इस दौरान आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है। कुछ लोग जिम में सेल्फी लेते रहते हैं। ये आदत भी वर्कआउट डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है।